Hello everyone. I hope you will be fine. It is day 8 class of English and today our topic is countable and uncountable nouns. Now, let's start. Look at the pictures. Can you count them? Tick right, yes or no. आपको नीचे कुछ पिक्चर्स दी हुई है स्टूडेंट्स, आपको बताना है कि आप इनमें से किन को काउंट कर सकते हो किन को काउंट नहीं कर सकते हो. रेड, वन टू, कितने रेड्स हैं यहाँ पे? टू. तो इनको आप काउंट कर सकते हो? यस. मिल्क, क्या मिल्क को काउंट कर सकते हैं? नो. शुगर, क्या हम शुगर को काउंट कर सकते हैं? नो. एंड हियर पेंस, वन टू थ्री, हम इसको काउंट कर सकते हैं? तो यस. ओके, सम नाउन्स कैन बी काउंटेड, दे आर काउंटेबल नाउन्स. जिन नाउन्स को हम काउंट कर सकते हैं उन्हें हम काउंटेबल नाउन्स कहते हैं. एग्जाम्पल्स, रेड्स, पेंस, बॉयज, एनिमल्स, चेयर्स, बर्ड्स, डॉल्स, ट्रीज एटसेट्रा. काउंटेबल नाउन्स कैन बी सिंगुलर और प्लूरल. काउंटेबल नाउन सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं, यानी कि एक भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं. वी कैन टेल देयर नंबर, हम उनको काउंट करके बता सकते हैं कि वो कितने हैं. नाउ सम नाउन्स कैन नॉट बी काउंटेड, कुछ नाउन्स को हम काउंट नहीं कर सकते हैं. दे आर अनकाउंटेबल नाउन, उनको हम अनकाउंटेबल नाउन्स बोलते हैं. एग्जाम्पल्स, शुगर, मिल्क, ऑयल, सैंड, राइस, वाटर, टी, वीट, फ्लोर एटसेट्रा, इनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं. अनकाउंटेबल नाउन्स हैव नो प्लूरल फॉर्म्स. वी यूज ए एन और ए नंबर और वर्ड्स लाइक ए फ्यू एंड मैनी बिफोर ए काउंटेबल नाउन बट नॉट बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स. अनकाउंटेबल नाउन्स की कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होती है, वो सिंगुलर प्लूरल दोनों में एक जैसी रहती है. और हम इनके आगे ए एन नंबर्स, फ्यू, मैनी आदि यूज में ले सकते हैं, लेकिन वो अनकाउंटेबल नाउन्स के आगे नहीं ले सकते हैं, ओनली काउंटेबल नाउन्स के आगे ही ले सकते हैं.